बेटी वहां कौन है देखो। मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया ये उसका प्रतिफल है, प्रतिफल। मैंने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया है, तुम्हारी पवित्रता को बदनाम किया है। कोई भी पाप जाने बिना मैंने तुम्हें पापी का पापी, ये सब प्रतिफल है मेरे कर्मों का। क्या हुआ जी? तुम्हें जिस कमीने ने बदनाम किया है उस कमीने ने ही मुझ पापी की यह हालत की। दुख दे रहे हो, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा दे रहे हो? अब जो हो गया सो हो गया। तुम मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी तबाह मत करना, किसी अच्छे से आदमी को देख अपनी जिंदगी संवार लो दुर्गा। ऐसा मत कहिए जी, स्त्री जिंदगी में एक ही बार किसी को अंकित होती है, कष्ट में सुख में उसके साथ ही रहती है। आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूंगी, ना मत कहिए जी। बेटी, इस कलयुग में तुम्हारी जैसी स्त्री होती है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी तुम एक आदर्श मूर्ति हो। बेटी बाबा आप एक महान तपस्वी हो, हमारी जो शादी रुक गई है वो अपने हाथों से पूरा करवा दीजिए बाबा। सुखम भाव। सर्व सुख भवा। तानिया हो रहा है, तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ सिर है, तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं ऐसा मत कहो। अरे तुम्हें क्या हो रहा है बेअक्ल, कहीं का गलत टाइम पर आ गया है। अरे क्या बेअक्ल वाली बात कर रहा है तू आज मेरे साथ? नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को कह रहा हूँ, सांड कहीं के कमीने कुत्ते। क्या रे तू क्या सोच रहा है, गाली सिर्फ तुझे ही आती है, मुझे नहीं आती? कमीने कुत्ते नालायक राक्षस तू। इस गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्में हैं। इस मैं हाइट बॉडी में चिरंजीवी की ही तरह हूँ, ये बात समझ गए ना? अरे तू अपने आप को हीरो मत समझ के खुश हो, तू जीरो है समझा। स्वामी आपने हम दोनों की शादी करवाकर बहुत नेक काम किया है, उसी तरह मेरे पति को स्वस्थ बनाकर हमारी जिंदगी में उजाला कर दीजिए स्वामी। बेटी ये शक्ति माता महान तीन कुटुंब कनका दुर्गा माँ की है। अभी जिस तरह तुम्हारे पति के साथ अनहोनी हुई थी उसी तरह परशुराम के साथ भी हुई, तब कनका माँ दुर्गा ने आकर अपनी कृपा से उन्हें ठीक कर दिया। महान परशुराम के जीवन में कष्ट आया था क्या? बेटा जो किस्मत में लिखा होता है उसे भुगतना ही पड़ता है, वो चाहे परशुराम स्वयं क्यों न हो। जगघनी महर्षि उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी माता रेणुका देवी की हत्यारे के रूप में पाप अपने सर पर लेकर उनकी इच्छा से फिर उनकी माँ पुनर्जीवित हो गईं। बेटा मातृ हत्या की वजह से परशुराम का पूरा शरीर काला पड़ गया और अपनी चंचलता को खो दिया। सभी तीर्थ स्थल पर जाकर सप्त समुद्र में स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे, ऐसे विचारों को जन महर्षि ने कहा था। परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब परशुराम ने इंद्र पर्वत पर जाकर एक कठोर तपस्या किया। ओम ओम ओम
कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने आया है? कौन है वो दुष्ट अहंकारी हमारी तपस्या जो भंग करने आया है? कौन है? मैं उसे नष्ट कर दूंगा। कौन है वो मेरी तपस्या भंग करने वाले दुष्ट अहंकारी? मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रहार को संभाल। पुत्र, मेरे दर्शन से तेरे सर से हत्या का पाप हट गया है। कृष्ण पुष्कर जो है उसके शुभ अवसर पर जब तुम स्नान करोगे तब तुम पुण्यवान बन जाओगे। धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया दुर्गा माँ। जय माता, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता। उस तरह से परशुराम दुर्गा माँ की आशीर्वाद से मात्र हत्या पाप से मुक्त हो गए परशुराम जी। पुष्कर स्नान करके पुण्यवान बन गए। उस तरह पुष्कर का महत्व बहुत ही अद्भुत है। 12 साल में एक बार गुरु कन्या राशि में प्रवेश करते हुए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, तब कृष्णा नदी स्नान आरंभ होता है। लाखों लोग स्नान करके पुण्यवान बन रहे हैं। तुम्हारे पूर्व पापों की वजह से कृष्णा पुष्कर आरंभ होने वाला है। तुम दोनों जोड़ी कृष्णा पुष्कर में स्नान करके उस करुणा बरसाने वाली कनका माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लो। उनसे प्रार्थना करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटा। अगले 3 दिनों बाद कृष्णा नदी में पुष्कर शुरू होने वाला है। आप लोग यात्रा प्रारंभ कर दो, रास्ते के खर्चे के लिए काम आएगा। हम आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा, दीर्घ आयुष्मान भवा। अच्छा हम चलते हैं, आइए जी। कृष्णा पुष्कर शुरू होने वाला है और दुर्गा कहाँ चलेगी पता है नहीं। रुको, ए बिना सर वाले, दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो तेरा हाथ पैर काट दूंगा, समझ गया ना? चलो भाइयों। रुकिए रुकिए। संभल कर बैठिए। टिकट टिकट बहन जी, टिकट विजयवाड़ा के लिए 2 टिकट। अजी पैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कैसे? अब हम क्या करें भैया? हम लोग जो पैसे लेकर आए थे वो किसी ने चुरा लिए। तो मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? पैसे हो तो दो वरना बस से उतर जाओ। कंडक्टर बाबू ऐसा मत कहो, हम दोनों को कृष्णा पुष्कर नदी में जाना है। आप हम दोनों की मदद कीजिए, हमें वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बस है भाई, हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं। ड्राइवर गाड़ी रोको। चलिए उतरिए उतरिए। देखिए बहन जी, ये बस मेरी होती तो मैं आपको उस नदी के तट तक पहुँचा देता। अगर इस वक्त मैं आपको वैसे लेकर जाऊँगा तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा, समझे? उतरिए, चलिए चलिए उतरिए। पकड़िए आराम से आराम से। गुरु स्टेरिंग देख के आपन चाहे कितना भी दारू पिए स्ट्रेट चलूंगा स्ट्रेट। लेकिन अभी शराब पीने की क्या जरूरत थी गुरु, बाद में भी तो पी सकते थे। दारू के बारे में बात किया तो मैं तेरी समाधि बना दूंगा, समझा?
क्या हुआ गुरु, गाड़ी क्यों रोक दी? अबे तेरी आंखों को सामने बैठी हुई बुलबुल नहीं दिखी क्या? आप लोगों को किधर जाना है? विजयवाड़ा। ओह, विजयवाड़ा तो हम भी जा रहे हैं। चलो छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। अरे पैसों की क्या बात कर रहे हो, आपको देखकर मुझे दया आ रही है। विजयवाड़ा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए जी, आइए। आपको कनका दुर्गा माँ हमेशा खुश रखेगी। आइए जी, आइए। थोड़ी मदद कीजिए। क्यों, ये चल नहीं सकते। छोड़ो मुझे। अरे दीपू, लगता है इंजन गरम हो गया। तू बाल्टी ले जाकर पानी लेकर आजा। आजा मेरे यार, हर मेरे गुलाब में छोड़ो मुझे। आजा आजा मेरे पास। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। दुर्गा, राजा। कौन है तू जो अचानक यहाँ पर आ गई है? तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हैं? गांव की शान शैलजा है मेरा नाम। एक पंच में ही तेरा कलेजा हिल गया क्या? मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ दो? लड़की को छेड़ा? नहीं, नहीं करूँगा। किसे छेड़ा? तो आगे 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 भाग लो, जल्दी कर, जल्दी जल्दी भाग लो। मान बचा लिया। ठीक है बहन, इसमें क्या, जो कष्ट में होते हैं उनकी मदद करना कनका दुर्गा माँ का कर्तव्य है। क्या हो गया बहन जी? भैया, इन लोगों को कृष्णा पुष्कर जाना है, आप इन्हें वहाँ तक पहुँचाने में मदद कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। जरा मदद करिए भाई। चलो चलो उठाओ, आराम से संभल कर।